हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे होंगे। और मॉनसून में अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए आप एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो जरूर कर रहे होंगे। तो जो मेन चीज है, आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट जब भी खरीदते हैं तो कभी भी किसी ब्रांड को फोकस करके अपनी चीजों को ना खरीदे, किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को देखते हुए किसी ब्रांड के ऊपर स्पेशली फोकस ना करें। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को रातों रात जो है टेक्सचर आपकी स्किन का बदल देते हैं। उनमें से एक जो इंग्रेडिएंट है वो सेरामाइड्स है। अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट में तो ब्रांड पे फोकस ना करें, आप उसकी पीछे वाली लिस्ट पे फोकस करें जहां पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सेरामाइड्स। चाहे मॉनसून हो, गर्मियां हो, चाहे विंटर्स हो, कोई भी तरह का मौसम हो, सेरामाइड्स आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है और आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि सेरामाइड्स हमें किस तरह से हमारी स्किन को रातों रात जो है वो बदल के रख देता है। हम जब भी किसी भी स्किन रूटीन को फॉलो करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है वो क्लिंजिंग का होता है, और हम क्लिंजिंग को ही बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम कोई भी फेस वॉश उठा के उसे यूज कर लेते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप अपने फेस वॉश में भी सेरामाइड्स को ऐड करें। सेरामाइड्स के फेस वॉशेस बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हर रेंज में अवेलेबल है। आप नायका पे जाइए, आप जो भी ऑनलाइन परचेजिंग जहां से भी करते हैं अपने स्किन केयर की, वहां पे जाके आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में सेरामाइड्स को चेक कर सकते हैं। जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ वो है ये सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लिंजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। इसमें एक ऑयली स्किन और एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड वाला फोमिंग क्लिंजर आता है, आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग क्लिंजर है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। देखिए, चाहे आप किसी भी स्किन टेक्सचर से आपका नाता हो, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हो, चाहे आप ड्राई स्किन वाले हो, एजिंग स्किन वाले हो, जो मॉइस्चर है वो हर किसी स्किन को चाहिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर मेरी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं मॉइस्चर को बिल्कुल अपने स्किन से निकाल दूं ताकि वो ऑयल जो है जनरेट ना कर सके स्किन में, तो आप ये नहीं कर सकते। आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना है अपने स्किन टाइप के मुताबिक। तो सेरामाइड जो है वो बहुत अच्छी चीज है, अपने स्किन रूटीन में आप जरूर शामिल कीजिए। सबसे पहली चीज जो है वो फेस वॉश ही होती है। फेस वॉश को अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं और आप कोई भी उठा के कर देते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपके स्किन से जो है आपके नेचुरल ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देते हैं उसको बिल्कुल निकाल फेंकते हैं। तो जो आपके क्लिंजर में ही वो सारी चीजें हैं जो आपकी स्किन को स्ट्रिप कर देती है, तो आप आगे जाके कुछ भी फॉलो करें उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो एक सेरामाइड्स वाला फेस वॉश। अगर सेरावी आपको एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि एक्सपेंसिव है जाता है, लेकिन यहां तक आते आते इसमें जो कस्टम वगैरह लगता है उसके ये थोड़ी सी प्राइसी साइड पे हो जाता है। ये 2500 या 2300 की एक बॉटल मिलती है और ये अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये महंगा है तो इसका एक और भी मेरे पास ऑप्शन है, वो है सीटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर। इसमें भी आपको सेरामाइड्स मिल जाते हैं, ये भी एक हाइड्रेटिंग जो है क्लींजर है, बहुत अच्छा क्लींजर है। ये आपको 200 के आसपास का मिलता है और काफी सफिशियंट होता है ये 4 से 5 महीने चलने के लिए। सेरावी भी ऐसे ही है, आपको जो आपके पॉकेट को सूट करता है आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सेरामाइड्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सेरामाइड्स जो है वो हमारे स्किन बैरियर को स्ट्रांग रखते हैं, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स नहीं आते, हमें फाइन लाइंस नहीं होती, हमें एक्ने नहीं होती। हमारे चेहरे का जो बैरियर है वो स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो अच्छे लेवल पे मेंटेन रहता है। हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, ईची नहीं होती है, खिंचती नहीं है हमारी स्किन, और हमारी स्किन हमेशा फ्रेश लगती है। तो सेरामाइड्स ये चीज जो है हमारी स्किन बैरियर में मॉइस्चर जो है रिटेन करके रखता है। तो बहुत जरूरी है कि आप सेरामाइड्स को अपनी स्किन रूटीन में शामिल करें, बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों के लिए बहुत अच्छा है सेरामाइड। तो स्किन में सेरामाइड्स शामिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव चीजें ही खरीदनी है, आप नॉर्मल चीजों में भी जाकर नॉर्मल रेंज में जाकर सेरामाइड जो है परचेज कर सकते हैं। मैंने फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड को फोकस नहीं करना है, आपने उसके पीछे जो लिस्ट है, इंग्रेडिएंट लिस्ट है, उसको फोकस करना है। वहां पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए तीनों तरह के सेरामाइड जो है वो उसमें है कि नहीं है। आजकल मॉइस्चराइजर्स के ऊपर लिखा आ रहा है सेरामाइड, आपके टोनर्स के ऊपर लिखा आ रहा है, आपके नाइट क्रीम्स पे लिखा आ रहा है,
आजकल तो रेटिनॉल के अंदर भी सेरामाइड्स जो है वो ऐड करके आ रहे हैं, तो देखिए अब सेरामाइड्स सेरामाइड्स जो है वो इतनी अच्छी चीज है। आप सेरामाइड जब अपने स्किन पर शामिल करेंगे आपको एक महीना, मैं ये नहीं कहती कि रातों रात जो है आपको फर्क पड़ जाएगा, रातों रात उनको फर्क पड़ जाएगा, मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं, रातों रात उनको फर्क पड़ जाएगा जो जिनकी स्किन टेक्सचर ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो वो देखेंगे कि उनकी स्किन एकदम से टाइट होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपका स्किन बैरियर जो है वो खराब है तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है आपको देना पड़ेगा, 1 से 2 महीने 3 महीने का भी हो सकता है। लेकिन सेरामाइड्स को आपने छोड़ना नहीं है लगाना, सेरामाइड्स को आपने हमेशा कंटिन्यू रखना है। आप फेस वॉश से स्टार्ट करें, आप देखिए आपकी स्किन में जो है फर्क आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन टू, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, और आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।